हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग मेरे यूट्यूब चैनल। अगर मैं चैनल में न्यू हूँ तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ एक ऐसी गाड़ी। अगर आपका बजट 47 लाख का बजट है तो आप 2024 मॉडल गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हैं प्लेटफॉर्म। तो एल्सिन में उन्होंने स्पेशल जो एडिशन इंट्रोड्यूस कराया उसमें कुछ अपग्रेड की है। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर न्यू दिया है वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब चलते हैं एल्सिन के रिव्यू की तरफ। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले आपको इसकी सेम ग्रिल नज़र आएगी जो ओल्ड शेप एल्सिन में थी, पियानो ब्लैक कलर की, और आपको क्रोम रंग की लाइनिंग जाती राज में नज़र आएगी। और आपको ये लोगो, इसका एल्सिन का जो लोगो है वो मेंशन है चंगान का, और इसके जो हेडलाइट्स है वो आपको वही हेलोजन बल्ब नज़र आएगी, और साथ में आपको डियर लाइट नीचे नज़र आएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो जो एल्सिन ओल्ड शेप और न्यू शेप फ्रंट से आर्मोस्ट प्रोफाइल इसकी सेम है। साइड प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे पहले आपको इसके अंदर 15 इंच के अलॉय व्हील नज़र आएंगे। और सबसे इसकी खूबसूरत बात यह है कि जो पहले इसके सिल्वर रंग के अलॉय व्हील थे, अब इन्होंने पियानो ब्लैक कलर का टाइप दे दिया जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। 15 इंच के अलॉय व्हील हैं। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो आपको इसके जो साइड मिरर हैं वो बॉडी कलर पहले मैच थे, अब पियानो ब्लैक कलर में कर दिए हैं। और स्पेशली इसके जो साइड मिरर है वो हीटेड मिरर है। ये आपको जो ऑप्शन नज़र आता है हीटेड मिरर का नज़र आता है, यानी कि इसका मकसद था कि अगर आपकी गाड़ी बारिश के दौरान स्क्रीन पे आपको बारिश के ड्रॉप्स नज़र आएंगे तो वो हीटेड करके खुद ही ड्राई हो जाएंगे। और जो डोर हैंडल वो बॉडी कलर पेंट थे, लग उन्होंने पियानो ब्लैक कलर में दे दिए। रूफ़ में आएंगे तो रूफ़ में आपको सनरूफ के साथ साथ पियानो ब्लैक कलर का टच पूरी रूफ़ में नज़र आएगा। और ओल्ड शेप की नस्बत न्यू जो फेसलिफ्ट की है जो वो बहुत ही यानी अग्रेसिव लगती है। रियर प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, वही सेम लाइट है, रिफ्लेक्टर सेम है, पार्किंग सेंसर रियर पर भी दिए गए हैं। और बात करें एल्सिन का लोगो, और आप एल्सिन की बैजिंग मेंशन है, चंगान का लोगो मेंशन है। और आपको इसकी ट्रंक स्पेस की बात करूं तो दो दफ़ा आपने पुश करना है तो ट्रंक इसका ओपन हो जाएगा। ट्रंक में स्पेस की बात की जाए तो काफ़ी इनफ स्पेस है, 3 से 2 लगी बड़े आराम से इसके अंदर फिट हो सकते हैं। और स्पेयर व्हील की बात करें तो इसके अंदर आपको स्टपनी देखने को नज़र आएगी, और रियर पर आपको माउंटेन लाइन नज़र आएगी, और आपको रूफ के अंदर आपको शार्क डीना पियानो ब्लैक कलर का लाजमी नज़र आएगा। रियर सीट्स में फीचर्स की बात करें तो जैसे डोर हैंडल इसके पियानो ब्लैक कलर में कर दिए हैं। डोर ओपन करते साथ ही आपको डोर के अंदर हार्ड प्लास्टिक निकल नज़र आएगा, और इन्होंने पहले जो बीच इंटीरियर था वो अब उन्होंने लेदर ब्लैक कलर दिया है, और साथ में वाइट कलर की स्टिचिंग लाजमी नज़र आती है। और डोर इसके ऑटो हैं, और जो डोर ओपन करने का हैंडल है वो इस उन्होंने सिल्वर में दे दिया है। रियर में भी आपको स्पीकर देखने नज़र आते हैं। कोल्ड ड्रिंक के लिए स्पेस दी गई है। अब आपको इसकी लेग स्पेस दिखाता हूँ कितनी है। लेग स्पेस की बात की है तो इसके अंदर नॉर्मल स्पेस है, लेग स्पेस है, अभी सीट पूरी पूरी पीछे की गई है तो नॉर्मल स्पेस है। और बात करें सीट्स, इसके आपको ब्लैक लेदर लाजमी नज़र आएगा, और जहां आपको पहले बताया था बीच यानी कि लेदर था, अब उन्होंने उनको ब्लैक लेदर और वाइट स्टिचिंग के साथ कर दिया है। और बात करें इसके अंदर पीछे अगर 2 पैसेंजर बैठे हों ना तो आराम से आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर 4/5 पैसेंजर आगे बैठेगा तो आप तंग महसूस करेंगे, तो 4 पैसेंजर के लॉन्ग रूट पर इनफ है। फ्रंट पे फीचर्स की बात की है तो वही पियानो ब्लैक कलर का टच लाजमी नज़र आएगा। डोर के अंदर डोर ओपन करते साथ ही आपको हार्ड प्लास्टिक और लेदर की स्टिचिंग वाइट स्टिचिंग के साथ लाजमी नज़र आएगा। और जो मिरर हैं चारों इसके ऑटो मिरर हैं, वही सिल्वर रंग की लाइनिंग के साथ आपको डोर ओपन मिलेगा। स्पीकर नज़र आएंगे, और आपको कोल्ड ड्रिंक के लिए स्पेस नज़र आएगी। सीट्स की बात करें तो इसके अंदर मैनुअल सीट्स दी जाती हैं, और वही ब्लैक लेदर एक खूबसूरत फिनिशिंग के साथ दिया गया जो सॉफ्ट कर दिया गया। पहले बीच था, अब इन्होंने ब्लैक टच दे दिया गया। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको नाइस स्टाइल में इसकी की है। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, और ये है इसका स्टार्टअप, और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में इसका मीटर है जो वाइट क्लस्टर स्टाइल में मीटर दिया गया है। और ये आपको राइट साइड पे आपको फ्यूल की गेज नज़र आएगी, लेफ्ट साइड पे आपको इंडोर आउटडोर का टेम्परेचर मेंशन किया गया है। और बात की जाए इसकी फ्यूल की और इंजन की, सब सिस्टम यहाँ पर दिया गया। और ये स्पीडोमीटर है इसका, एनालॉग स्टाइल में मीटर है, डिजिटल स्टाइल में मीटर इसके अंदर नहीं है। और स्टीयरिंग की बात करें तो ये चंगान का लोगो है, और आपको मल्टीमीटर स्टीयरिंग नज़र आएगा इसके अंदर। राइट साइड पे आपको लाइट की एडजस्टमेंट, लेफ्ट साइड पे आपको वाइपर की एडजस्टमेंट नज़र आएगी। और सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर कंसोल में आपको 6 इंच की आपको मल्टीमीटर स्क्रीन नज़र आएगी। और इसका जो आपको सिस्टम है, जो एसी सिस्टम है इसका, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं है इसके अंदर, आपको सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल एसी नज़र आएगा। तो इसकी बात करें डैशबोर्ड की ना, तो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में इसका डैशबोर्ड है, डुअल टोन में है, डार्क ग्रे कलर का और ब्लैक का कम्बिनेशन साथ किया गया है। और आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक कलर का टच आपको इसी के इवेंट के साथ लाजमी नज़र आएगा।
और अगर आप बात करें इसके अंदर सेफ्टी फीचर की, तो इसके अंदर दो एयरबैग दिए गए हैं। और अब अगर आप नीचे आएंगे एसी क्लाइमेट और एसी के नीचे सर आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग स्लॉट दी गई, यूएसबी की स्लॉट दी गई है, 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से गाड़ी आती है। आर्मरेस्ट की बात करें इसके अंदर आर्मरेस्ट आपको देखने को नजर आएगा, छोटा सा आर्मरेस्ट है इसके अंदर। और फिर रूफ में जाएंगे तो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिरर है बैक, और लाइट दी गई, लाइट की एडजस्टमेंट है। और आपको इसके अंदर स्पेशली इसका जो रूफ है ना, ब्लैक इंटीरियर के साथ गाड़ी लॉन्च की गई है, तो रूफ भी इसका उन्होंने ब्लैक किया है, और साथ में आपको ब्लैक रंग का सनरूफ रूफ के अंदर लाजमी नज़र आएगा। और ये सनवाइजर की, तो सनवाइजर में आपको मिरर भी नहीं नज़र आएगा ना लाइट नज़र आएगी। और अगर आप स्टीयरिंग की राइट साइड पर आएंगे आपको साइड मिरर की एडजस्टमेंट, और आपको लाइट मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट, और ऑटो होल्ड सिस्टम, और आपको ट्रंक ओपन करने का सिस्टम इसका राइट पर दिया गया। और ए सी के वेंट के साथ बहुत खूबसूरत स्टाइल में आपको नज़र आता है इसका पियानो ब्लैक कलर का टच। और जैसे ए सी के वेंट से नीचे आएंगे तो आपको फ्यूल टैंक ओपन करने का सिस्टम, और आपको बोनट का सिस्टम यहाँ दिया गया। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। एल्सविन के इंजन की बात की जाए तो इसके अंदर 15 सीसी सिंपल इंजन आता है, जो 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। और बात करें इसकी हॉर्स पावर की, तो इसके अंदर 105 इसकी हॉर्स पावर है, और 145 का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया है इसके अंदर। और बोनट की बात करें, बोनट के अंदर स्पेशली एक शीट दी है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसकी मेन पर्पज़ ये है कि जो गाड़ी के इंजन का शोर है ना, गाड़ी के कैबिन में ना जा सके, इसकी शीट का ये फ़ायदा है। इतनी गर्मी में गाड़ी का रिव्यू बनाया और देखा जाए तो पसीना आपके सामने, गर्मी बहुत है, यानी 42-43 टेम्परेचर इस वक्त बाहर आउटसाइड में चल रहा है। और बात कीजिए अगर आपका बजट 46 लाख का आपका बजट है, तो अगर आप फ्लाइट फॉर गाड़ी यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक एल्सविन आपके पास अच्छा ऑप्शन है। और इनके जो कंपेटिटर है वो यारस है 1.5 और होंडा सिटी एस्पायर है, लेकिन उनकी प्राइस इससे 12-13 लाख ज़्यादा है। तो अगर आप बात करें, ये गाड़ी आपको 8 लाख बुकिंग पे मिलेगी, और अगर 8 लाख की बुकिंग करवा के बाकी पेमेंट करवा के आपको गाड़ी 15-20 दिन में आपको गाड़ी डिलीवर की जाएगी। और अगर आप गाड़ी फुल पेमेंट पे करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर 1-2 लाख ओन है, तो आपको गाड़ी फुल पेमेंट पे आप गाड़ी जो रिसीव करना चाह रहे हैं वो आप 1-2 लाख ओन दे के गाड़ी को रिसीव कर सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ओन देना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आप 15-20 दिन में गाड़ी आपको डिलीवर हो रही है तो आप 15-20 दिन गाड़ी का वेट करें और गाड़ी इंजॉय करें। और बात करते चलूँ अगर आपको ये गाड़ी 46 लाख के बजट में कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में लाजम जाएगा। मजीद वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। दुआ में इस बाइक को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने जुम्मन रखे। अल्लाह हाफिज़।